आप हमारा पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, लाइक से। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ और हो चुके हैं हम लोग रेडी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं करती हूँ दिन के 12 बजे से। तो आज हमारे गांव में है नंदा अष्टमी, 5 तारीख को है ना मम्मी, आज हमारे गांव में 5 तारीख को नंदा अष्टमी। तो हम सब पहनेंगे अपना कल्चरल ड्रेस, भोटिया ड्रेस। तो आप लोगों को इसके बाद रेडियो के मिलते हैं, क्योंकि अभी 2 या 3 बजे से मंदिर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप लोग को वहाँ मिलते हैं, तो रेडियो के आप लोग अपना ड्रेस भी दिखाते हैं और अपने गाँव की नंदा अष्टमी भी दिखाते हैं, तो हमारे वीडियो में बने। ये है मेरी पड़ोसी नीलम भाभी जो छत पे कपड़े लेने आ रही है अभी बारिश में। तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, खराब तो क्या ही है, पर बारिश आ रही है ये। और ये मेरी मम्मी, देखो बारिश हो रही, मैं कपड़े उठा के लेके आ रही। शाबाश, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रही, जब पहनेंगे ना तब दिखाएंगे, ऐसा होने वाली। अभी हमारे गाँव में नवमी है, अभी हम पाठी पहन के जाएंगे, लट्टू नाचेगा, महानंदा का कार्य होगा, उसमें झूमेले करेंगे और बारिश भी शुरू हो रहा है और क्या कर सकते हैं, पाठी पहनेंगे तब झूमेले करेंगे नंदाष्टमी में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद मंदिर में। ओके फ्रेंड्स, ये होता है छुबला, ये घाघरा, पागड़ा और ये पाखी और ये है आंगड़ा। तो अब इसे पहन के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपनी कल्चरल ड्रेस पहन ली है, भोटिया ट्रेडिशन हमारा, और ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, रेड कलर का ये आंगड़ा है और ये छुबला है और ये चांदी के जेवर होते हैं और ये कमर छल्ला और ये मेरा पूरा लुक है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मम्मी लोग भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो ये है, ये अभी बेबी के साथ अंदर, तो चलो नीचे जाके दिखाते हैं हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कौन बैंक वाला? ये है मेरी मम्मी, मम्मी हाय हाय। और ये नीलम, हाँ कर लो उसको, उसको बोलना, सब जा रहे हैं मंदिर मम्मी। तो चलो चलते हैं और फूल वगैरह लेके जाते हैं चाचड़ी लगाने के लिए। तो ये है मेरी भाभी, फूल निकाल रही है पीछे चाचड़ी के लिए, और कुछ ऐसा मेरा लुक है। तो चलो चलते हैं, कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और दादी लोग भी आ रहे हैं पीछे से, मम्मी लोग भी आ रहे हैं, तो चलते हैं। और ऊपर चाचड़ी वगैरह जो भी होता है अष्टमी में, मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी आगे वीडियो में, बाय। तो अभी हम पुफू से पूछते हैं कि मंदिर में आज क्या क्या होता है, तो पुफू बताओ। चाची लगा दो, वो तो बोलता चाची लाग लो जागर लाग लो। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हो चुके हैं और ऐसा कुछ लुक है हमारा, और हमारा ऐसा कुछ लुक है। आई होप आप लोग हमारे लोग अच्छा लगेगा, ये हमारा भोटिया ट्रेडिशन है। और अभी कलरफुल आंगड़े पहनने लगे हम लोग, बाकी मैंने ये नकली पहना हुआ है सब कुछ। तो ये सब तो क्या चांदी का है, पर ये मांगते हैं नकली। ये हमारे डब्बू है, मेरे हरी भैया का बेटा, हाय बोलो। हाय। तो दोस्तों, जिन दादी की मैं बात करी थी कल, मेरी एक ही दादी है, उनसे मिलाती हूँ मैं आपको। दादी हाय बोलो। हाय। ये मेरी दादी है गांव में। चलो दादी मंदिर, चलो ठीक, अच्छे लग रहा आप? हाँ हाँ अच्छा लग रहा। भाभी मेरी मम्मी से फूल चुरा के आ रही है, चोरी करके ला गई। बढ़िया बढ़िया। हम जा रहे मंदिर में नंदा माता का, आज हमारे गांव में लाठू देता था वो होता है, प्रोग्राम होता है, और दूर गांव में सभी बेटियां बहू सब सच के जाते हैं नंदा माँ का सहयोग करने के लिए। और
और माँ भगवती का सेवा करने के लिए साल भर में एक बार होता है। आप हमारा पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, लाइक से ये हमारी माँ नंदा भगवती और ये प्राण ककड़ी फूल प्रसाद वगैरह ये सब दिया। उसके बाद माँ भगवती अवतरित हुई, माँ भगवती अपनी जगह पर विराजमान हुई और फिर उसके बाद हम लोग मतलब वहाँ पे उन लोगों ने वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया और वो भी है क्योंकि इन सब चीज़ों से भगवान की शक्तियाँ कम होती हैं, मतलब ऐसे गांव वालों का मानना है, तो इसलिए हम लोगों ने भी वीडियो बनाया नहीं। बाकी हम लोगों ने बहुत सारा शूट किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज लिए हैं और आई होप आप लोग को हमारा भोटिया कल्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को हमारा कल्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम लोग बेसिकली ये ट्रेडिशन हमारा नीतिमाणा घाटी का है, तो हम लोग ऐसे अच्छा सा हमारा ये ड्रेसअप है और काफी मतलब चांदी के जेवर वगैरह हमारे वहाँ होते हैं। तेरे पामा को भेजो। ये मुझे मिला सोनू भैया का दीदी का बेटा, ये अब नमस्ते बोला सोनू भैया के लिए, नमस्ते। हाँ चलो ठीक है दबा बाय। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो ड्रेसअप है ये हमारी नीतिमाणा घाटी का है, तो यहाँ मतलब जो हम रोंगपा होते हैं मतलब भोटिया होते हैं, तो ये हम लोग का ये ड्रेसअप होता है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को हमारे ड्रेस के बारे में और जानना है और अगर मीन्स हमारी ये ड्रेस मतलब कैसे वेयर करते हैं, क्या क्या इस ड्रेस में होता है, ये सब जानना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो मैं आपको कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो ड्रेस इसे कैसे पहनते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सब जरूर बताऊंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स बेसिकली ये जो नंदाष्टमी का मेला है ये मतलब माँ नंदा जो होती हैं हमारी, तो उसे मतलब
अच्छे से उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो जो बेसिकली जो गांव में ध्यानी होती हैं, मतलब जिन लड़कियों का मायका होता है और गांव की जो लेडीज़ होती हैं, वो सब अच्छे से रेडी होके, बेटियां बहुएं अच्छे से रेडी होके माँ नंदा देवी देवी के प्रांगण में चाचणी करती हैं, झुमेलो करती हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो इस बार मैंने भी कुछ ऐसा ड्रेसअप रखा हुआ है। तो ये सब है हमारा ड्रेस और ये मीस अब कलरफुल बनाने लग गए हैं सांगड़े को, बट ये पहले सिर्फ ब्लैक कलर में होता था। तो फ्रेंड्स अभी मंदिर में तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो फिर जितना हो सकेगा मतलब जितना सब दिखा रहे थे अपने अपने फोटोज वीडियोज में चांचड़ी वगैरह, वो मैं आपको जरूर अभी अपनी वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और फिर अभी मैं घर पे जा रही हूँ क्योंकि अभी ऊपर पूजा वगैरह हो रही है, तो मैं थोड़ा घर पे होके आती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये नथ जो है ये मेरी सिस्टर का है तो ये मुझे काफी हैवी लग रहा है अपने नाक में, तो मैं इसे चेंज करके आती हूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ अगर इसके बाद मंदिर में भी जो जो का प्रसाद वगैरह बटेगा नंदा देवी का, चांचड़ी लगे चांचड़ी वगैरह करेंगे, तो हमारे गाँव की जितनी लेडीज हैं वो चांचड़ी वगैरह करेंगी, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी घोटे ड्रेस पहना है। परी ऊपर आ जाओ बेटा, आ जा। और हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी घोटे ड्रेस पहने, जैसे हम जो गर्ल्स हैं हम लोगों ने पहनी है। और ये हमारी परी है छोटी सी, इसने भी पहना ना घोटे ड्रेस, है ना? आपका नाम क्या बता दो? परी। परी है ना? और आपने क्या पहना है? गट्टू पाकी। अच्छा, किसने बनाया आपको? मम्मी ने। अच्छा, ये हमारी छोटी सिस्टर है परी है। तो हम लोगों ने सबने, मतलब आधे से ज्यादा गर्ल्स ने भी वियर किया है आज, क्योंकि ओकेजनली अच्छा लगता है हमें वियर करना, तो हमारा ट्रेडिशन है इसलिए। तो परी बाय बोल दो। बाय बाय। ठीक है, तमाम बाय। कल्लू हाय। मुझे कल्लू भी मिली यहाँ पे, ये भी मेरी भैया की बेटी है, ये मेरी भैया की बेटी। हाय कल्लू। चलो ठीक है तमाम। तो गाइस चलो मैं फिलहाल अपने घर चलती हूँ, ये नाक का नथ वगैरह काफी हैवी हो रहा था तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। और वैसे गुलोबंद भी पहनते हैं, बट से जो हम बेसिकली भोटिया लोग हैं वो गले में इस ड्रेस के साथ गुलोबंद भी वेयर करते हैं, पर मेरे को गुलोबंद थोड़ा सा गले में अटपटा सा लगता है, तो मतलब काफी गला दबा दबा सा लगता है, तो मैंने पहना नहीं है। और ये चांदी के जेवर हमारे वहाँ काफी होते हैं, हाथों में पहुंची होती है, मैंने भी आर्टिफिशियल पहना क्योंकि ये ज्यादा सुहागने वेयर करती है ड्रेस हमारे वहाँ जो मतलब मैरिड रहती है। तो ये हमारे वहाँ मतलब ये कमर छल्ला वगैरह ये जितने भी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा ड्रेस अब, ये देखो देख सकते हो मेरा ड्रेस अब कम्प्लीट। तो चलो चलते हैं। और आज नंदाष्टमी जो कम्प्लीट हो गई, मतलब आज हमारे गांव में नंदाष्टमी हुई है और कल हमारी गांव की जो देवी है वो अपने नीति घाटी जा रही है, नीति घाटी तक भ्रमण पे जा रही है। तो नंदा दियोरा यात्रा हो रही है जो कि हर 12 सालों बाद होती है, तो उसकी भी अभी प्रिपरेशन करनी है। आज नंदाष्टमी होगी, वैसे ही सबके सब जो भी गाँव के बुजुर्ग लोग हैं पैदल यात्रा होगी, 20-22 दिनों की होगी ये यात्रा, 12 सालों बाद निकलती है, तो सब लोग उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो फिर चलो चलते हैं घर पे अब। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर पे पहुंच गई थी और मेरा डॉगी सिम्बा जो है वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि हम लोग उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ, सिम्बा कैसा है, मिलाटू क्या कर रहा है? ये है मेरा डॉगी सिम्बा, ये सिम्बा यहाँ देखो वीडियो में, यहाँ सिम्बा मुझे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ ड्रेसअप रखा है। आ जा मेरा गुड्डू, ये मेरा शिबू है।